हेलो एंड वेलकम बैक ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का नेक्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल तो स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट को समझते हैं सपोज जेड इज़ एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ सिंपल क्लोज्ड कंट्रो सी एंड जेड इज़ नॉट कॉन्स्टेंट then mode of एफ जेड रीचेज इट्स मैक्मम वैल्यू ऑन सी एंड नॉट इन साइड सी कोई भी एक फंक्शन हमारे पास एफ़ जेड है और वो अनालिटिक है कहाँ पर अगर इफ में मेरा कर्व ये है तो वो अनालिटिक है ऑन द कर्व सी और इन साइड द कर्व सी ठीक है और जो फंक्शन एवजेड है वो कांस्टेंट नहीं है और अगर मैं इसके मोड की बात करती हूँ तो मुझे जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो मुझे ऑन द सी मिलेगी मतलब ऑन द बाउंड्री मिलेगी इनसाइड द सी नहीं मिलेगी अगर मैं मैक्सिमम की बात करती हूँ फॉर एन एग्जांपल इफ हम सर्कल की बात करते हैं ये सर्कल है ये सेंटर है और मैं बोलूँ कि कोई भी ऐसा पॉइंट मुझे चाहिए जहाँ से इसका औरजिन से उसका उस पॉइंट का डिफ्र डिस्टेंस जो है वो सबसे मैक्सिमम हो तो ऑब्वियसली वो क्या होगा रेडियस होगा और जो पॉइंट होगा वो ऑन द सर्कल होगा तो उसी तरीके से सेम या, हम या, यहाँ पर सर्कल की बात ना करके किसी भी कर्व की बात कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो हमें ऑन द कर्व मिलेगी इनसाइड नहीं मिलेगी इफ़ हम सर्कल की बात करें तो मैं कहीं पर भी अगर कोई भी पॉइंट लगाती हूँ जो कि ऑन द सर्कल नहीं है तो ऑब्वियसली उसका जो डिस्टेंस है और से वो लेस होगा किससे रेडियस रेडियस से बोल लो या फिर बोल लो कि कोई भी ऐसा पॉइंट जो ऑन द सर्कल है ठीक है देन मोड ऑफ एफ जेड जो है वो मुझे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर देगा ऑन द बाउंड्री देगा एंड उस मैक्सिमम वैल्यू को मैंने मान लिया एम सो एम इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोड ऑफ जेड ऑन एंड विद इन सी Uh, जो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी एम मेरी वो ऑन द बाउंड्री भी मैं बोल सकती हूँ जो कर्व uh, है मेरा ऑन द कर्व भी बोल सकती हूँ एंड विद इन द कर्व बोल सकती हूँ एंड दिस मोड ऑफ जेड जो है वो लेस देन एम विल बी लेस देन एम फॉर एवरी जेड इन साइड सी कोई भी पॉइंट अगर मैं कर्व uh, की इन ले रही हूँ तो स्ट्रिक्टली जो मेरा फंक्शन एफ जेड होगा वो लेस देन एम होगा क्योंकि आ, जैसा कि मैंने बोला कि अगर आप ऑन द कर्व लोगे तो ऑब्वियसली जो कोई भी पॉइंट इनसाइड द कर्व है उसका डिस्टेंस जो है उससे कम ही होगा जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं वी प्रूव दिस थ्योरम बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन के मेथड से इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे दैन है एनालिटिसिटी ऑफ एफजिट डिक्लेयर दैट एफज इज़ कॉन्टिन्यूस विद इन एंड ऑन सी कोई भी फंक्शन अगर एनालिटिक है तो फर्स्ट थिंग वो होता है डिफरेंशिएबल सेकंड कॉन्टीन्यूस होता है उसकी लिमिट उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पर अगर कोई फंक्शन हमारा एनालिटिक है तो वो कॉन्टीन्यूस भी होगा और ये फंक्शन एनालिटिक कहाँ पर है विद इन ऑन द सी एंड विद इन द सी सो फंक्शन कॉन्टिन्यूस कहाँ पर होगा विद इन एंड ऑन सी कॉन्सिक्वेंटली जो मोड ऑफ एफ एक्जिट है अटेन करेगा अपनी मैक्सिमम वैल्यू कहीं ना कहीं तो उसको मैक्सिमम वैल्यू अपनी मिलेगी ही मिलेगी तो उस मैक्सिमम वैल्यू को हमने एम मान लिया एट सम पॉइंट विद इन और ऑन सी या हो सकता है वो जो मैक्सीम वैल्यू हमें मिले वो कर्व के अंदर मिले या तो ऑन द बाउंड्री मिले वी वॉन्ट टू शो दैट एफ जट अटे द मैक्सिमम वैल्यू एम एट अ पॉइंट लाइन ऑन द बाउंड्री ऑफ सी एंड नॉट इनसाइड सी हमें प्रूव क्या करना है कि वो मैक्सीम वैल्यू हमें बाउंड्री के ऊपर मिलनी चाहिए ना कि उस कर्व uh, के अंदर सपोज़ अब हम ये मान के चल रहे हैं सपोज इफ़ पॉसिबल द वैल्यू इज़ नॉट अटेन्ड ऑन द बाउंड्री ऑफ सी हमें इसको कॉन्ट्रोडिक्शन से प्रूव करना है तो इस केस में हम ये मान के चल रहे हैं कि बाउंड्री पे हमें वो वैल्यू नहीं मिल रही है वो वैल्यू हमें इनसाइड द कर्व मिल रही है हम ये मान के चल रहे हैं तो सपोज़ हमने ये कर लिया जो मैक्सीम वैल्यू मुझे मिलेगी मोड ऑफ़ एफ जेड की वो किसी पॉइंट ए पर मिल रही है तो जेड की जगह हम ए लिख सकते हैं और वो वैल्यू मैक्ममम हमें चाहिए तो क्या होगा एम हो जाएगा ठीक है एंड दिस ये जो एवजेड मोड ऑफ एवजेड है वो एम से लेस भी हो सकता है और एम के इक्वल भी हो सकता है क्योंकि अब अगर मैं विद इन सी की बात कर रही हूँ ठीक है फॉर ऑल जेड विद इन सी सो डिस्क्राइब अ सर्कल गामा विद ए एज अ सेंटर लाइंग विद इन सी मैंने कोई भी मेरा कोई भी एक कर्व है सी और मैंने उसमें एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है गामा जिसका ए एज अ सेंटर है ठीक है सो नाउ एफ जेड इज नॉट कॉन्स्टेंट ऑलरेडी स्टेटमेंट में मैंशन है कि एफ जेड जो है वो कॉन्स्टेंट नहीं है एंड इट्स कॉन्टीन्यूटी एम्प्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट जेड इज इक्वल्स टू बी और अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो कॉन्टीन्यूटी की हेल्प से हमें एक पॉइंट बी ऐसा मिल रहा है जो उस गामा के अंदर होगा और अगर मैं जेड की जगह यहाँ पे बी वैल्यू पुट कर रही हूँ जेड इज गोल्स टू बी अब मैं मोड ऑफ एफ बी निकालूंगी तो वो स्ट्रिक्टली लेस देन एम होगा क्योंकि सर्कल के लिए तो हमें बहुत अच्छे से पता है यहाँ पर सर्कल की हेल्प ही हमने इसीलिए ली है बिकॉज हमें अच्छे से पता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है या मैक्सिमम डिस्टेंस है उसका सेंटर से वो हमें ऑन द सर्कल मिलेगा तो यहाँ पर इसीलिए हमने इसको लेस देन एम लिखा है इस फिगर के थ्रू समझिए यहाँ पर ये था मेरा सी अब आप देख सकते हैं ये कर्व कैसा भी हो सकता है प्रॉपर सर्कल नहीं है किसी भी टाइप का एक कर्व हमारे पास हो सकता है वो है सी और हमने क्या करा एक सर्कल की हेल्प ली है इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए तो वो मैंने एक सर्कल लिया है गामा और ये मैंने एक सर्कल बना दिया ठीक है और इस सर्कल में हमने कोई भी एक पॉइंट लिया इन इस गा सर्कल विद इन कोई भी हमने एक पॉइंट लिया है वो है पॉइंट बी ठीक है तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी सर्कल की वो ऑब्वियसली अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू को एम मान रही हूं तो ऑब्वियसली जो एफ ऑफ बी मैं निकालूंगी मोड ऑफ एफ ऑफ बी निकालूंगी वो लेस देन एम ही होगा बिकॉज हम किसी कर्व के लिए नहीं बोल सकते तो सर्कल के लिए तो हम ऑब्वियसली बोल ही सकते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें ऑन द सर्कल मिलेगी लेट एप्साइलिन ग्रेटर देन जीरो बी सच दैट अब यहाँ पर हमने एपसाइलिन लेट uh, किया है जो जीरो से बड़ा है कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है बी सच दैट कि जो मोड ऑफ एफ बी होगा वो होगा एम माइनस एप्साइलिन अब लेस देन एप्साइलिन है तो मैंने वो मान लिया कि कोई एप्साइलिन uh, ऐसी क्वांटिटी है जो मैंने एम से लेस कर दी तो वो मुझे एफ ऑफ़ बी मिल रही है मोड ऑफ एफ ऑफ बी मिल रही है अगेन एफ़ ऑफ जेड इज कॉन्टीन्यूअस एट जेड इज इक्ल्स टू बी कॉन्टीन्यूटी कॉन्टिन्यूस था हमारा फंक्शन सो so, जो मोड ऑफ एफ जेड है वो कॉन्टीन्यूस है किस पॉइंट पे बी पॉइंट पे एंड सो एफ ऑफ जेड माइनस मोड ऑफ एफ ऑफ़ जेड माइनस मोड ऑफ़ एफ ऑफ़ बी इज़ लेस देन एफ सालन बाई टू जो डेफिनेशन होती है हमारी कॉन्टीन्यूटी की उसकी उसका हमने यूज़ किया है जहाँ पर ये जो जेड माइनस बी होगा वो किससे लेस देन होगा डेल से सिंस एफ ऑफ जेड मोड ऑफ़ एफ ऑफ जेड माइनस मोड ऑफ़ एफ ऑफ बी ये किससे लेस हो जाएगा लेस ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू हो जाएगा एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ बी हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है अगर मैं इसको इंडिविजुअली इस तरीके से करके लिख रही हूँ तो ये जो होल मोड वाला पोर्शन है वो ज़्यादा बड़ा होगा तो यहाँ पर ये जो डबल मोड वाला पोर्शन है वो ज़्यादा बड़ा है इस क्वांटिटी से देन मोड ऑफ़ एफ जेड माइनस मोड ऑफ एफ बी मैंने जस्ट इसको शिफ्ट uh, कर दिया इसको इस साइड इसको इस साइड एंड ये पूरी क्वान्टिटी किससे लेस देन है एफसेलन बाई टू से लेस देन है सो दिस इज दिस इज लेस देन एफसेलन बाई टू सो so, हम ये भी कह सकते हैं अगर ये क्वांटिटी लेस देन एप्सेलन बाई टू है तो ये वाली जो क्वांटिटी है वो भी लेस देन एप्सेलन बाई टू होगी और इसको अगर मैं इस साइड शिफ्ट कर दूँ मोड ऑफ़ एफ बी को अगर मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दूँ तो मोड ऑफ एफ जिड इज लेस देन मोड ऑफ एफ बी प्लस एप्सेलन बाई टू नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने मोड ऑफ़ एफ बी की वैल्यू पुट कर दी है सो मोड ऑफ एफ बी क्या है एम माइनस एप्सैलन था तो लास्ट स्टेटमेंट जो हमने लिखी थी वहाँ पर हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी दैट इज़ एम माइनस एप्साइलिन यहाँ से हमने एफ ऑफ बी की वैल्यू ली है एम माइनस उसके इसके बाद हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया है माइनस uh, epsilon प्लस epsilon बाई टू इज इक्वल्स टू माइनस एफ्सेलन बाई टू फॉर ऑल जेड सच दैट जहाँ पे मोड ऑफ जेड माइनस बी का जो मोड है वो लेस देन डेल है नाउ वी ड्रॉ सर्कल गामा विद सेंटर एट बी जो पॉइंट हमारा जिसमें हमने बोला था कि हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है और हमने बी एक कोई पॉइंट लिया था गामा सर्कल के अंदर तो उस पॉइंट को एज अ सेंटर मानते हुए हम एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे और उस सर्कल का नाम हमने दे दिया गामा देन इक्वेशन नंबर थ्री शोज़ दैट ए मोड ऑफ़ एफ एफ जेड इज़ लेस देन एम माइनस बाई टू फॉर ऑल जेड इन साइड गामा सो so ये जो वैल्यू अब हमने ऊपर निकाली है इसको हम गामा जो सर्कल है उसके लिए हम मान सकते हैं कि कोई भी अगर z में पॉइंट लेती हूँ तो जो मेरा फंक्शन होगा एफ ऑफ जेड जो फंक्शन होगा वो लेस देन होगा एम माइनसन बाई टू से अगेन हम एक और सर्कल ड्रॉ करते हैं गामा डैश जिसका सेंटर ए है अभी मैं फिगर आपको शो करूँगी तो इससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो दूसरा सर्कल है वो है हमारा गामा डैश जिसका सेंटर ए है सो अब जो रेडियस होगा एंड द रेडियस मोड ऑफ बी माइनस ए उसको हमने रेडियस मान लिया बाय कोची इंटरगल फार्मूला सो कोची इंटरगल फार्मूला क्या होता है एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू वन बाई टू पाए आयोटा देन इंटरगल है हमारा गामा पे क्योंकि अब हाँ अभी हम गामा की बात करेंगे यहाँ पर सो so, एफ ऑफ़ जेड बाई जेड माइनस ही डी जेड ये कोची इंटरगल का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है जिस भी पॉइंट की हम बात करते हैं वो हम यहाँ पर लिखते हैं तो यहाँ पर जो मेरी जेड नॉट की वैल्यू है वो है ए इसलिए हमने यहाँ पर ए लिखा है एंड वन बाई टू बाई आटा देन जिस भी हम कर्व के थ्रू इंटरगल कर रहे हैं वो यहाँ पर करेंगे देन एफ जेड जेड माइनस जेड नॉट डी जेड सो फिगर देखिए यहाँ पर ये गामा तक हमने ड्रॉ कर लिया था देन बी को एज अ सेंटर मानते हुए हमने एक और सर्कल ड्रॉ किया था और वो सर्कल था हमारा गामा जहाँ जिसका जो सेंटर है वो है बी देन हमने क्या करा एक और सर्कल जो है ड्रॉ किया वो है गामा डैश और ये रहा वो गामा डैश हमारा सर्कल जिसका सेंटर जो है वो ए है इसका रेडियस क्या है अगर मैं ये इसका रेडियस है बी माइनस ए इसका रेडियस है इसको जिस तरीके से आपको बनाना है ठीक है इस तरीके से जो है हमारा सर्कल बनेगा ये थोड़ा सा सर्कल आपको इसमें और छोटा होना चाहिए था सो so दैट जो हमारा रेडियस है प्रॉपर वो इस तरीके से बनता बी माइनस है फिगर आपको फिर से बता देती हूँ जो आपका सपोज करो ये आपका कोई भी कव था सी हमने एक सर्कल की हेल्प ली थी इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए तो ये हमने कोई सर्कल ले लिया और इस सर्कल का नाम दे दिया हमने गामा ठीक है उसके बाद कोई भी पॉइंट हमने बी लिया था सच दैट क्योंकि हम सर्कल के लिए बहुत ही ईजिली बोल सकते हैं कि जो मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा वो हमें ऑन द सर्कल मिलेगा इन साइड नहीं मिल सकता तो इसीलिए हमने बी पॉइंट लेट किया था और हमने बोला था कि जो एफ ऑफ बी की वैल्यू होगी वो क्या होगी एम माइनस एफसाइलेंट जो सेकेंड चीज़ हमने की वो ये कि जो बी को एज अ सेंटर मानते हुए हमने एक सर्कल ड्रॉ किया तो बी को एज अ सेंटर मानते हुए हमने एक सर्कल ड्रॉ किया उस सर्कल का नाम दे दिया हमने गामा उसके बाद हमने एक और सर्कल कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया है उसका सेंटर हमने दे दिया ए और ये सेंटर है हमारा ये सर्कल है हमारा गामा डैश इसका जो रेडियस है वो कुछ इस तरीके से आपको बी माइनस ए मिलेगा आई होप अब आपको फिगर जो है वो क्लियर है देन इसके बाद हमने क्या किया है एफ ओ फे इज इक्वल्स टू जस्ट हमने जेड की वैल्यू पुट की है सर्कल के केस में क्या होता है सपोज करो ये अगर मेरा सर्कल है एंड जेड नॉट मैंने सेंटर मान लिया जेड कोई पॉइंट मान लिया जो मेरा ऑन द सर्कल है सो जेड माइनस जेड नॉट इज इक्ल्स टू आर होता है एंड सर्कल के केस में हम जो मोड ऑफ जेड है उसको क्या लिखते हैं आर ई टू दर आयोटा थीटा ठीक है ये e सब बेसिक चीजें हैं तो यहां पर हमने बस वही काम का, किया है जेड माइनस ए इज इक्वल्स टू अब जो ए पॉइंट इंट है z माइनस ए इज इक्व टू अब क्या लिखेंगे इसी तरीके से r e टू दी पार आयोटा थीटा तो यहाँ से हमारी जो z हमें z की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी z इज इक्वल्स टू ए प्लस आर आयो ई टू दि पार आयोटा थीटा जेड की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में हम सब्सटीट्यूट करेंगे ये आपस में कैंसिल हो रहा है तो इसको हमने कैंसिल कर दिया देन हमारे पास ये पोर्शन बचा इफ वी मेजर थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सो यहाँ पर क्यू पी आर जो है वो हमने मान लिया अल्फा इस तरीके से हमने नेम दे दिया इसको ये क्यू ये पी ये आर और इसको हमने नेम दे दिया एल्फ़ा ठीक है सो यहाँ पर अब मैंने अगर एंगल्स जो हैं वो ब्रेक करें हैं तो मुझे यहाँ पर ये जो मेरा इंटीग्रल है वो क्या कैसे हो जाएगा जीरो टू एल्फ़ा एल्फ़ा टू टू पाई और ये हमने क्यों करा है बिकॉज़ ये जो रीजन था जो हमने गामा सर्कल बनाया है उसके अंडर जो आ, एंगल आ रहा है उस वहाँ से हमने ब्रेक किया है और उस पर्टिकुलर एंगल को हमने गामा दे दिया ठीक है एक बार फिर से फिगर को देख लेते हैं ये है फिगर तो इसमें क्या है कि आप देखेंगे जो गामा है वो इस आ, आ, सर्कल के अंदर आ रहा है गामा सॉरी ये जो एंगल है अल्फा वो इस सर्कल के अंदर आ रहा है गामा के अंदर और जो ये बाकी का जो एंगल होगा उसको हमने फिर गामा टू टू पाई ले लिया है देन नेक्स्ट मोड की वजह से इनिक्वालिटी आ जाएगी देन जीरो टू एल्फा सेम वही फंक्शन डी डी थीटा देन वन बाई टू पाई अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे जो इंटरगल होगा वो होगा एल्फा टू टू पाई यहाँ पर अब हमें वैल्यू सब्सिटीट्यूट करनी है बाय सेकेंड एंड फोर्थ जो ए प्लस आर ई टू दी पार आयोटा थीटा था वो किससे लेस देन था एम माइनसैलन बाई टू से तो यहाँ पर हम लिख देंगे एम माइनस अपसेलन बाई टू ये एक तरीके से आपकी जेड ही जेड ही है अगर आप ना चाहो तो अब इसको यहाँ पर एज इट इज जेड भी लिख सकते हो तो ये वैल्यू जो थी उससे लेस थी तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली लेस देन का इन uh, आ जाएगी देन प्लस वन बाई टू यहाँ पर ये जो वैल्यू है ए प्लस आर ई टू दी पार आयोटा थीटा वो किससे लेस देन है एम से जो कि हमने स्टार्टिंग में ही लिखा था बाई इक्वेशन नंबर टू ये रहा बाई इक्वेशन नंबर टू जो एफ जेड है वो लेस देन इज इक्वल टू क्या है एम एफ फॉर ऑल जेड विद इन सी हमने इस गामा की बात की थी तो एम माइनस एप्सिलॉन एप्सिलॉन लिखा था और हम विद इन सी की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे लेस देन इज इक्वल्स टू एम सॉरी एम माइनस एप्सिलॉन बाई टू ओके देन उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया है ये एम माइनस एप्सिलॉन बाई टू अब आप इसका इंटरगल कर देंगे तो so, यहाँ पर यह क्या आ जाएगा एम माइनस एप्सिलॉन बाई टू दिस होल मल्टीप्लाई बाय एल्फा बाई टू पाई एल्फा आ जाएगा बिकॉज आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो सिर्फ एल्फा बचेगा एन टू पाई यहाँ पे एज इट इज इसके बाद एम टू पाई माइनस एल्फा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एन टू पाई ये रहा इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एम माइनस एल्फा एप्स एलन बाई फोर पाई सो एम इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एफ एंड दिस इज लेस देन एम माइनस एल्फा एप्साइलन बाई फोर पाई अब यहाँ पे इससे हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली एम जो है वो लेस देन है एम माइनस एप्सैलन एल्फा एप्सैलन बाई फोर पाए यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है क्योंकि एम और एम इक्वल है आपस में और यहाँ वैल्यू सब्ट्रैक्ट की है तो वो इससे ग्रेटर देन कैसे हो सकती है तो यहाँ पर इससे हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिल रहा है फॉर एम कैन नॉट बी लेस देन दिस हैज द रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉलोज अब हमने क्या बोला था हमने ये uh, जो सपोज करके चले थे कि हमें जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो हमें ऑन द सर्कल ना मिलकर विद इन द सर्कल मिलेगी सोई जो कॉन्ट्रडिक्शन लास्ट में जो प्रूफ है उसमें हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिल रहा है इसका मतलब जो हमारी सपोजिशन थी वो हमने रॉन्ग ली थी इसका मतलब जो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो ऑन द सर्कल मिलेगी विद इन द सर्कल नहीं मिलेगी अब यहाँ पर हम कर्व की बात कर रहे हैं तो हम एज अ कर्व बोलेंगे जो सिंपल हमारा क्लोज कर्व था उसकी वैल्यू हमें मैक्सिमम वैल्यू हमें ऑन द बाउंड्री मिलेगी इस थ्योरम का जो नाम था वो था मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल दैट मीन्स कि अगर जो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी हमें मोड की ठीक है और हमने किया क्या कि कोई भी हमें कर्व की बात करनी थी कि अगर कोई भी फंक्शन है और उसकी जो मोड की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें ऑन द बाउंड्री मिलेगी तो उसको प्रूव करने के लिए हमने एक सर्कल की हेल्प ली एज़ आई सेड कि हमें बहुत ही अच्छे से पता है कि जो मैक्सिमम uh, जो डिस्टेंस होता है सेंटर से ऑन द पॉइंट अगर मैं सर्कल uh, के ऊपर कोई पॉइंट ले रही हूँ उसका जो डिस्टेंस है बेसिकली रेडियस जो है वो लार्जेस्ट होता है तो उसकी हेल्प हमने ली है इसको प्रूव करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पर हमने थ्री सर्कल्स बनाए हैं और फिर हमने इसको कॉन्ट्रडिक्शन uh, लास्ट में हमें मिला है सो दैट हमें पता लगा कि हम uh, जो हमने सपोज करके चल रहे थे वो रॉन्ग था सो आई होप आपको अच्छे से ये थ्योरम क्लियर है फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप लोग मुझे वहाँ पर भी टेक्स्ट कर सकते हैं थैंक यू फॉर लिसनिंग